सो हाँ जी गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विनय हरिद्वाल एंड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब क्योंकि ये एक्ट हमारे सिलेबस से कुछ अभी नया नया सा आया है, तो चांसेस है कि इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन आने वाला है देखा हुआ, मतलब कि SM या फिर RTP MTP या फिर कुछ स्कैनर वाला, ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, मतलब केस स्टडी आ सकता है बट देखा हुआ आएगा। अब सवाल उठता है कितने मार्क्स का चैप्टर है, तो ये 10 से 15 मार्क्स का चैप्टर है और ये चैप्टर क्या है, आओ हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले समझो कि नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या होता है अरे कोई भी चीज आसानी से जिसको हम ट्रांसफर कर सके उसको नेगोशिएबल बोला जाएगा, कोई भी चीज जिसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सके। लेकिन कोई भी चीज नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट। व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर किया जाए वो इस एक्ट के तहत आ जाता है। ये तो इजी इजीली समझ गए हम लोग। अब हम लोग को ये समझना है कि ये एक्ट देखता किन चीजों को है। तो ये एक्ट तीन चीजों को देखता है। किन किन चीजों को देखता है, तीन चीजों को, PBC। क्या बोल रहे हैं हम, PBC। P फॉर प्रोमिसरी नोट, B फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड C फॉर चेक। ये तीन चीज को ये देखता है, ठीक है, ओके। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हम लोग का बुक में लिखा हुआ है कि ये हुंडी को भी देखता है। भैया ये हुंडी का मतलब क्या होता है, हुंडी ना पुराना टाइम पे यूज किया जाता था, अब हुंडी वगैरह का उतना चलन है नहीं। तो अगर बोलेगा एग्जाम में कहीं पे कि क्या ये हुंडी को देखता है, हाँ देखता है, पुराना जमाना में यूज होता था, नेट से इसका फोटो भी देखा जा सकता है, कुछ वैसा टफ चीज है नहीं, ठीक है, ओके। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेगोशिएबल का मतलब अभी बताए ना ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब अभी बताए ना डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल यही तो मतलब है, एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल, एनी डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल, सिंपल, ठीक है। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, P फॉर प्रोमिसरी नोट, B फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड C फॉर चेक, सिंपल है ये भी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर प्रोबेबल है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर ये अभी तुम लोग ध्यान से नहीं सुनेगा तो एग्जाम में समझ भी नहीं आने वाला, सीधा बात। तो ध्यान से मेरे बात को सुनते जाना। दो टाइप से, दो नजरिया बहुत होता है इंस्ट्रूमेंट को देखने का, ठीक है, हम लोग दो तरीके से बात करते हैं। एक तो पे पेएबल टू ऑर्डर और दूसरा पेएबल टू बेरर। क्या बोले हम, पेएबल टू ऑर्डर और दूसरा पेएबल टू बेरर। पेएबल टू ऑर्डर का मतलब यहां पे समझो, मानो अजय नाम का बंदा है, तो आने वाला जो जो हम बाद बोलेंगे, अगर अजय वैसा कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो वो पेएबल टू ऑर्डर होगा। मतलब जिसको, मेरा बात गौर से सुनना, जिसको अजय बोलेगा उसको पैसा मिलेगा। क्या बोले हम, जिसको अजय बोलेगा उसको पैसा मिलेगा। जिसको अजय ऑर्डर करेगा ना कि हाँ भाई मिस्टर एक्स को पैसा दे दो, उसको हम पैसा दे देंगे, सिंपल, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा चीज के बारे में भैया आप बोले, पहला अजय जो है अपना मुंह से बोल रहा है एक्सप्रेसली कि हाँ भाई ये जो है आसिम को दे दो, अजय एक्सप्रेसली बोला ना, एक्सप्रेसली बोला ना, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, इन वर्ड्स के इस्तेमाल से ओरल और रिटन, है ना। तो शब्दों के इस्तेमाल से अगर अजय कहता है कि ये सामान इस पर्टिकुलर पार्टी को दे, तो पेबल ऑन ऑर्डर है। दूसरा, यहां पे डज नॉट प्रोहिबिट इट्स ट्रांसफर, ठीक है, डज नॉट प्रोहिबिट इट्स ट्रांसफर, यानी कि अपने केस में ही देखते हैं, अपने केस में देखते हैं, अजय जो है बोला ना आसिम को दे दो, हम लोग आसिम को दे दिए। अगर अजय बोल दें कि यार कोई दिक्कत नहीं आसिम, तुम गया डोमिनोज में खाना खाए, ठीक है, तुम खाना खाया यानी कि पिज्जा खाया और तेरे पास पैसा बचा, पैसा ही नहीं है, ओ अब क्या करेगा तुम,
जेब में पैसा ढूंढ रहा है, तुमको ये कागज मिला, ये वाला कागज तुम डोमिनोज को भी दे देना। हम इसका ट्रांसफर को प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, इसका ट्रांसफर को रोक नहीं रहे हैं। तो पहले क्या सीखें, इट इज एक्सप्रेसली टू बी पेएबल, यानी कि किसी को भी पे कर सकता है बोलकर, और दूसरा बोल सकता है स्पेसिफाइड पर्सन कि आसिम हम ये तुमको दे रहे हैं, एंड डज नॉट कंटेन एनी वर्ड दैट प्रोहिबिट्स ए ट्रांसफर। कोई भी ऐसा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है जिसके कारण इसके ट्रांसफर पे रोक लगे। तो ये होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हम लोग का कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है एक्सप्रेसली टू बी पेएबल एंड 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 डज नॉट कंटेन एनी वर्ड दैट प्रोहिबिट्स इट्स ट्रांसफर। भैया बियरर क्या होता है, बियरर, बियर मतलब क्या, भालू? नहीं, बियरर मतलब जिसके भी हाथ में वो सामान है, बियरर। अगर आज मेरे हाथ में, फॉर एग्जाम्पल, ये फोन मेरे हाथ में है, तो हम अभी मेरे हाथ में, ये मेरा है, ये बियरर, आई एम द बियरर ऑफ द फोन, ये फोन मेरे हाथ में है, ये अगर हम तुमको देंगे तो यू आर द बियरर ऑफ द फोन। क्या ऐसा है क्या कि फोन का बिल पे जिसका नाम है फोन उसका है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जिसके हाथ में ये फोन है ना, ये फोन उसका हो जाए। मतलब देखा जाए तो फील करना, फील, कि अगर हम ये ऑर्डर से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेजें, अगर हम ऑर्डर देके भेजें कि आसिम तुम रखो या फिर किसी और को दे देना, तो उसमें आसिम का नाम तो है। बियरर में बोला कोई नाम नहीं, एक्सप्रेस टू पे टू द बियरर, जिसके हाथ में उसको पैसा मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, सोचो कि हम कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे अजय दिया तो सही आसिम को, मानो छोड़ो आसिम छोड़ो, अब अजय जो है राजू को दिया, और ये कौन सा वाले दे दिया पता है, बियरर। इसके बारे में आगे और बात है, बट ये समझना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। क्या बोले, बियरर वाला दिया, यानी कि राजू का नाम नहीं है, बस राजू को दे दिया, नो नेम। अब राजू मस्त सीटी बजाते बजाते घूम रहा था पार्क में, ले उसका जेब से ये वाला डॉक्यूमेंट गिर गया, और ये वाला डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल गया। पता है बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब, हम लोग दौड़ के जाएंगे, ये वाला डॉक्यूमेंट को बैंक में दिखाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। सोचो कितना इजी चीज है ये। तो बियरर मतलब एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द बियरर, ठीक है। एंड इसमें बोला गया कि जो भी इंडोर्समेंट होगा ना, जो भी इंडोर्समेंट होगा वो ब्लैंक होगा। भैया ये इंडोर्समेंट क्या होता है भैया, मतलब कि हमारे केस में समझो, हम लोग राजू को दिए थे ना, अगर राजू आगे ये बोलता है कि हम ये मयंक को देना चाहते हैं, विनय भैया या फिर अजय भैया, क्या ये मयंक को दे सकते हैं? हाँ, मयंक बोल रहा है ये हम निशिल को देना चाहते हैं, क्या ये हम निशिल को दे सकते हैं? हाँ, मतलब ये एक बंदे से दूसरे बंदे पास जा रहा है, ये इधर से उधर से उधर से उधर होता जा रहा है बस, ठीक है, ये टिक नहीं रहा है, बस बढ़ता जा रहा है। क्या ये इंडोर्स होगा? हो सकता है ब्लैंक में होना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक मतलब हम किसी का नाम लिख के इंडोर्स नहीं करेंगे, हम ऐसे वहां पे लिखेंगे नहीं, हम ये बस उसका हाथ में पकड़ा देंगे कि भाई हम अपना मर्जी से मयंक ये तुमको दे रहे, तुमको गिरा हुआ नहीं मिला, हम अपना मर्जी से दिए। तो यार इसका कीवर्ड क्या है भैया, क्या कीवर्ड है? चलिए मतलब समझ गए, ऑर्डर का मतलब आप बोले कि किसी पर्टिकुलर बंदा को देंगे और प्रोहिबिट नहीं करेंगे, ये वाला याद रखना, ये वाला, किसी बंदा को देंगे और प्रोहिबिट नहीं करेंगे उसका ट्रांसफर, ओके। बियरर का क्या कीवर्ड है भैया, बियरर का कीवर्ड है ये भी एक्सप्रेसली पे होगा, ये भी एक्सप्रेसली पे होगा। बियरर का कीवर्ड है इट इज पेड टू द बियरर, और द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। दो बात बोला, पहला या तो पेड टू द बियरर, या फिर दूसरा बात, लास्ट वाला जो इंडोर्समेंट है वो देख लो, वो ब्लैंक होना चाहिए। अगर उसमें किसी का नाम लिख दिए तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये अपन कुछ बेसिक्स को टच करते हुए आगे बढ़े। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, मतलब यही था ना, यही दो बात याद रखना, ऑर्डर और बियरर, बस। अब आते हैं वापस अपना फ्लो में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो ऐसे ही आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन बोला कि कुछ पर्टिकुलर 8 कंडीशन है। कितना कंडीशन है? 8 कंडीशन है जो तुमको फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले ये मानो एक कागज का टुकड़ा होता है, अगर एक खाली, हम तुम लोग को 8 पॉइंट याद करा देंगे बेटा, मेरा बात को, मेरा कहानी को इमेजिन करते जाओ, देखते जाओ स्क्रीन। ये कागज का टुकड़ा, बताओ मेरे को, अगर ये खाली टुकड़ा तुमको देंगे, तुमको कोई पैसा देगा? नहीं भैया। तो इसमें तो कुछ हमको लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ लिखना होगा। हाँ भैया, आपको कुछ तो राइट करना होगा इस। अच्छा मानो हम लिखे, ऐसे ऐसे करके लिख दिए, क्या प्रूफ है ये हम लिखें? तो भैया यहाँ पे ना आपका साइन लगेगा, मतलब आपको इसमें कुछ लिखना होगा और आपको
साइन करना होगा। बोले ठीक है। फिर दूसरा मेरे मन में सवाल आया कि मानो ये जो है ये हम तुमको दिए, ये हम दिए मानो आशीष, ठीक है, क्या आशीष ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकता है? नाम में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल, तो ट्रांसफर कहीं नहीं कर पाएगा। हाँ ट्रांसफर कर सकता है, इनफैक्ट फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, आराम से ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, अगर यही जो है आशीष वो चोर निकला, शैतान निकला, चोरी किया, तो ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं भैया, नहीं, इट मस्ट बी इट्स टाइटल, क्या बोल रहे हैं, टाइटल, इट्स टाइटल, यानी कि यह किस व्यक्ति का है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगर वो चोरी कर लेगा तो ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले भैया बोले ऐसे खाली कागज में तो लिख दो मस्ट बी इन रिटन, फिर हम लिखे कैसे पता चलेगा, मस्ट बी साइन, ठीक है। फिर क्या ये हम किसी को देंगे तो वो ट्रांसफर कर सकता है? हाँ फ्रीली ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ठीक है। तो हम बोले ओके। अब आशीष शैतान था, आशीष शैतान था, भले ही वो चोरी नहीं किया, मानो वो चोरी नहीं किया, ठीक है, तो भैया इसका सिंग हटाइए ना, अगर वो चोरी नहीं किया तो वो शैतान नहीं ना है? हम बोले नो नो नो, वो शैतानी कर रहा है, वो बार बार ट्रांसफर करवा रहा है इसको, मतलब वो अजय को दिया, अजय रामू को दिया, रामू फरहान को दिया, ऐसे करके आगे कहानी बढ़ते जा रहा है। तो ये हमको गुस्सा आ गया, हमको गुस्सा आ गया, हम बोले अबे यार तुम कितना बार इसको ट्रांसफर करेगा? बोला सुनिए ना भैया, एक बात आपको आज हम सिखा दे रहे हैं। क्या सिखा दे रहे हैं? हम आपको सिखा दे रहे हैं कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। अरे 500 बार ट्रांसफर करना है ना, 500 बार, ठीक है। हम बोले ओ तो तुम्हारा सिंह तो मिटाना होगा, तुम बदमाशी नहीं कर रहा है, राइट? ओके भैया, मतलब ये ओके बात, ठीक है। तो हम लोग सीखे ये कितना बार भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ ना, ये आशीष गया बैंक, उसके बाद ये आशीष कहाँ गया, बैंक, और आशीष में आशीष जाके बैंक में बोला हाँ भैया पैसा दीजिए, तो बैंक वाला क्या बोलता पता है, नहीं भैया पैसा नहीं देंगे, आप हाफ पैंट पहन के आएंगे। अरे ए आशीष हाफ पैंट पहन के आया, उसको पैसा नहीं मिल रहा है? तो बोला अरे भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं आप बैंक वाले भैया, नहीं नहीं सर आप हाफ पैंट पहन के आए, आपको पैसा नहीं देंगे। तो आशीष क्या बोला पता है, बोला कि हमको विनय भैया पढ़ाए थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना अनकंडीशनल पेमेंट होता है। क्या होता है? अनकंडीशनल पेमेंट, यानी कि हम आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते हमको इसका पैसा देने में। ये हाफ पेंट तो हम एग्जाम्पल दिए, आगे और भी एग्जाम्पल बन जाएगा, लेकिन कोई कंडीशन नहीं रखा जा सकता है पैसा देने में, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो कागज है, ये बैंक वालों को पकड़ा दिया। बैंक वाला बोला ये कागज आप हमको पकड़ाए, ठीक है, ये वाला कागज, इसमें लिखा हुआ है गुड, इसमें साइन है गुड, अरे देना कितना है, वो नंबर तो लिखो। तो हम बोले 10 लाख रुपया। मतलब भैया आप क्या बोलना चाहते हैं, यानी कि जो सम पेबल है ना वो भी लिखना है, सर्टेनिटी ऑफ सम भी लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का ये आशीष जो है बैंक वालों को ये डिलीवर करेगा, बैंक वाला हम लोग को पैसा डिलीवर करेगा, बैंक वाला को ये कागज डिलीवर करेगा, बैंक वाला हम लोग को पैसा डिलीवर करेगा। देखो 8 पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम में 6 5 6 याद आएगा, और भाई हम लिखित दे रहे, लिखित दे रहे, मेरा मेरे साथ तुम लोग बने रहो, तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंख बंद करो और इमेजिन करो, ठीक है, क्या इमेजिन करो कि तुम लोग आशीष है, तुम लोग आशीष और तुम लोग का हाथ में एक सादा कागज है, ऐसे हाथ फहराओ हवा में, सादा कागज है। तो सबसे पहले इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करना होगा, तुम लोग बोला भैया इसमें लिखना होगा, इसमें साइन करना होगा, 2 पॉइंट आया, इट मस्ट बी रिटन, इट मस्ट बी साइन। तीसरा, तुम लोग शैतानी कर रहा है, तुम लोग सोच रहे कि हम इसको ट्रांसफर कर सके, हाँ तुम लोग फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं ये कागज को, तुम चाहो तो अपना दोस्त को, मम्मी को, पापा को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ हमसे चोरी मत कर, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। 4 पॉइंट हो गया, रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ट्रांसफर के नंबर पे कोई लिमिट है? नहीं, नो लिमिट, ट्रांसफर कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ।
तो तुम लोग ये वाला कागज लिया, खुश हो गया, लिखा हुआ है, साइन है, ट्रांसफर कर सकते हैं, जाते ना बैंक से पैसा निकाल लेते। तुम लोग बैंक में गया तो क्या बोला, अरे हाफ पैंट पहन के क्यों आया? तुम लोग बैंक वालों को बोलेगा अनकंडीशनल पेमेंट है, पैसा तो देना पड़ेगा, हम लुंगी में भी आएंगे आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या बोले, हम अनकंडीशनल पेमेंट है, ठीक है। फिर बैंक वाला क्या बोला, बैंक वाला बोला कि वो तो समझ रहे हैं सर आपका बात हम, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ सम को भी तो समझिए, आपका कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो तुम बोला ये लिखिए, 10 लाख रुपया लिख दिए। तुम लोग उसको हाथ में क्या दिया, हाथ में ये कागज डिलीवर किया और वो लोग तुमको पैसा डिलीवर किया। ये कहानी से गारंटी है एग्जाम में 5 6 छोड़ो 8ों का 8 पॉइंट याद आ जाए, ठीक है। ओके, अब हम कुछ बात, ये कहानी से यहाँ पे सब कुछ है, लिखित होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब झोलबाजी वाला नहीं होना चाहिए, चोरी कर लिए हैं, ठीक है, आगे वाला को नशा करा के उससे उसका साइन ले लिए हैं, या फिर उसको नींद का गोली देके अंगूठा का छाप ले लिए, झोलबाजी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि जो बोले ना सर्टेन, बात समझो, कितना देना है, 10 लाख रुपया, कब देना है ये बता दो, किसको देना है ये बता दो, तीन बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखने देना चाहिए। कितना देना है, किसको देना है, कब देना है, कितना यानी कि सम पेएबल, किसको देना है यानी कि पेई कौन है, जिसको पैसा मिलता है उसको पेई बोलते हैं, तो पेई कौन है, और लास्ट में कि कब देना है, टाइम, ठीक है। तो ये अपना 8ों पॉइंट याद हो गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 टाइप का होता है, स्टार्टिंग से चिल्ला रहे याद है, पी बी सी। हम लोग पी को देखेंगे, पी से प्रॉमिसरी नोट, बी और सी से तुम लोग बोल लो घर पे क्या है, ठीक है भैया। ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, सेक्शन 4 में बोला गया, ठीक है। अब समझो एक बार पैटर्न समझो, पी बी सी, पी से प्रॉमिसरी नोट 4 में बोला, बी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 में बोला, और सी से चेक 6 में बोला, इसीलिए हम इसका पैटर्न को नहीं बदले, पी बी सी। ओके भैया, आपका बात को हम समझे, ये बताइए ना प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट, डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये रहा प्रॉमिसरी नोट भैया, ये प्रॉमिसरी नोट है, मतलब देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, हाँ भैया डॉक्यूमेंट है, ये लिखित में है, हाँ भैया दिख तो रहा है कि लिखित में है, ठीक है। तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बतला दिया जाता है कि कितना रुपया देना है। देखो हम क्या क्या बोले थे, कितना देना है, कब देना है तो 3 मंथ बाद देना है, किसको देना है तो इसको देना है, ठीक है। तो साइंड है, जो ऊपर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 8 कैरेक्टरिस्टिक था ना, अब वही रिपीट हो रहा है, रिटर्न में होना चाहिए, किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, ये चीज सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। सवाल उठता भैया कि ये प्रॉमिसरी नोट को बाकी चीज से अलग क्यों किया जाता है, वो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, कुछ नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, पहला बात, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग। दूसरा बात, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, वही चीज, कंडीशन हाफ पैंट में चल गए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। फिर तीसरा बात, साइंड साइंड बाय द मेकर, जो व्यक्ति इसको बनाएगा वो इसमें साइन करेगा, ठीक है, इसमें बताएगा कितना देना है, एंड ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है, यानी कि मानो हम दिए सीमा के नाम, तो जिसका नाम है वो उसको पैसा मिलेगा, या फिर अगर वो किसी को ऑर्डर की, वो बोले कि राजू को दे देना तो उसको मिलेगा। पहला क्या बोले हम कि अगर ऑर्डर वाला सिस्टम है तो जिसका नाम है या फिर वो जिसको ऑर्डर करे उसको दे दो, और दूसरा वाला क्या खाली है, बोले बियरर को दे दो, जिसके हाथ में है उसको दे दो, अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, तो बियरर को दे दो। कैसे याद कर रहे हैं, याद करा रहे हैं, शांति रख एकदम, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, ठीक है, पहला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, रिटेन इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा पॉइंट, ये अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि पैसा मिलेगा, ठीक है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। तीसरा पॉइंट, इसमें साइन होता है, किसका, मेकर का, क्यों। चौथा पॉइंट, कुछ पे करने के लिए, पे कितना करने के लिए,
कुछ सर्टेन सम है, ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि जितना मन करेगा उतना निकाल लेना मेरा अकाउंट से। कुछ सर्टेन सम पे करने के लिए, कुछ सर्टेन सम, ठीक है, सम ऑफ मनी, और स्पेसिफिक हो तो सम ऑफ मनी, ठीक है। लास्ट में ये ऑर्डर वाला भी हो सकता है या बेरर वाला भी हो सकता है। अगर तुम लोग को ये डेफिनेशन याद करने में दिक्कत है ना, ऐसे पांचों पॉइंट को लिख लो। अब देखो याद हो जाएगा भैया, लिखित में होता है, हाफ पेंड वाला बात आ गया, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन करेगा मेकर, जिसमें वो क्या बोलेगा, हम कुछ पैसा दे रहे हैं, किसको, ऑर्डर को या बेरर। क्लियर है? यहां पर बोल दिया गया कि कभी भी दो चीज को प्रॉमिसरी नोट मत मान लेना। किसको किसको, अरे करेंसी, रुपया सिक्का, नहीं, दूसरा बैंक में एक नोट चलता है, वो रुपया वाला नहीं, 500, हजार का नहीं, हजार का तो बंद हो गया, लेकिन नॉर्मल बैंक नोट, ठीक है, नॉर्मल बैंक नोट। इसके बारे में हम लोग को कोई मतलब नहीं, खाली याद रखना है कि बैंक नोट करेंसी नोट आर नॉट प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो भैया एक बात तो हम समझ गए कि मीनिंग आप हमको याद करा दिए, पांच पॉइंट। अब अगर हमको एग्जाम में बोल दिया इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, देखो आधा से ज्यादा तो ऊपर का आठ वाला सेम है, ठीक है, ऊपर जो कहानी से अपन आठ ही इतना मेहनत से पढ़े ना, ऐसे ही कुछ है, लेकिन कुछ दो चार चीज नया है, पहले वो देख लेते हैं। देखो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए, हम बोले, हम लिखे वाले में क्या, आई एक्नॉलेज, नहीं छोड़ो, मिस्टर बी, आई ओ यू, मतलब आई ओ यू को व्हाट्सएप वाला में लिख दिया, आई ओ यू ₹1,000। अबे बैंक में ना ये सब नहीं चलता है, ठीक है, तुम खाली बोल दे रहा है मेरे एक्नॉलेजमेंट कि हम तुमको पैसा दे देंगे, वो नहीं चलता, तुमको ना पूरा बात बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस ये समझो कि ऐसे खाली बता देना कि हम तेरे को इतना रुपया देंगे, नहीं, वादा करना होगा कि हम तुमको ₹1,000 देंगे जब तू मांगेगा तब, या फिर इतना तारीख को। तो ये एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ऐसे हवाबाजी एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा डेफिनेट एंड कंडीशन, अनकंडीशनल होना चाहिए, वही अनकंडीशनल उठा के डाल देना, मार्क्स मिल जाएगा। क्या हम कंडीशनल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते रे बाबा। हम बोल सकते हैं कि ये वाला प्रॉमिसरी नोट से पैसा तभी निकालना अगर इंडिया आईपीएल इस बार आरसीबी जीत जाएगा, तो पर कंडीशन नहीं डाल सकते, क्लियर। मेकर का साइन होना चाहिए, पैसा ही चलेगा रोकड़ा, ऐसे बोलेंगे सोना दे दो चांदी दे दो, नहीं, वो सब नहीं। फिर सर्टेन होना चाहिए अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पेबल कैन बी इजिली असर्टेनेबल, ठीक है। ये बात को समझो कि जो अमाउंट का पेमेंट है वो इजिली असर्टेनेबल होना चाहिए, ऐसे कोई मतलब मैथ नहीं देना, मैथ नहीं मतलब ऐसे नहीं बोलना कि हम उसको 8 का क्यूब देंगे, 800 का क्यूब देंगे, अबे ये सब नहीं, सीधे बोलो कितना रुपया देना, 800 रुपया, 1,000 रुपया, कितना रुपया देंगे, ठीक है, इट शुड बी इजिली असर्टेनेबल। फिर मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला बात है। अरे क्या हम बोल सकते हैं कि विनय विनय को पे किया, मतलब कोई दूसरा बंदा नहीं है ये, हम खुद है, अपना नीचे वाला जेब से पैसा निकाल के ऊपर वाला जेब में डाल दिए, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है, कॉमन सेंस। तुम लोग को इसका टेंशन नहीं लेना है, उनको इसका टेंशन लेना है कि अब प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर है। हाँ क्या बोल दिया कि अब द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, सबसे पहले बोला कि मेकर और पेई जो है वो सर्टेन लोग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर, क्यों भैया, ये बियरर का मतलब आप हमको समझाएं थे कि जिसके भी हाथ में हो, ठीक है, और यहाँ पे मस्ट आप मेरे को बोल रहे थे बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे क्यों ऐसा बोल दिया कि बियरर को पे नहीं करना चाहिए। हाँ यारे, हाँ ठीक है, बोल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तुमको ना ये वर्ड लिखना होगा पेबल टू द बेयरर। बेसिकली बेसिकली हम लोग जैसे आम आदमी, हम लोग जैसे आम आदमी, मेरा बात को गौर से सुनते जाना, प्रॉमिसरी नोट इशू तो कर सकते हैं, बट सिर्फ ऑर्डर वाला, बेयरर वाला मालूम है खाली दो बंदा इशू कर सकते हैं, सीजी और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। याद करो क्यों, क्यों ये पावर दिया मालूम है प्रॉमिसरी नोट को लेके, क्यों ये पावर दिया, लेट मी शो यू।
हम ऐसे दिखाएंगे ना तुम लोगों को कि तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है? आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑफ सम रुपीज। ये कुछ सुना सुना लग रहा है? नहीं सुना सुना लग रहा है। आज तक जिंदगी में किया क्या है तुम लोग? ये देखो, 100 रुपया का नोट में क्या लिखा है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। अबे ये प्रोमिसरी नोट है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। और वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं होता है। हम लोग को बोल दिया कि भाई जो ये रुपया तुपिया है इसको मत मान लेना प्रोमिसरी नोट, ये तुम अलग से लिख के दो, अलग से लिख के दो। लेकिन वो रुपया को क्यों डालना पड़ा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के पास पावर है कि वो लोग बियरर वाला प्रोमिसरी नोट को इशू कर दे। क्या ऐसे आम आदमी कर सकता है क्या? नो, इट इज नॉट दैट इजी। ये एक्ट में लिखा हो, ठीक है? ओके भैया, यहां तक आपका बात मेरे को समझ आया। अब स्टैंपिंग क्या होता है? स्टैंपिंग मतलब थप्पा लगना जरूरी है, ठीक है? मतलब कि एक ऐसे स्टैंप लगेगा और उस पे साइन होगा। ध्यान से देखो, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड बी ड्यूली कैंसल्ड बाय मेकर सिग्नेचर। यानी कि ऐसे स्टैंप लगा और उसके ऊपर साइन होना चाहिए। ये थोड़ा फैंसी बात बोल रहा है, स्टाइल वाला बात बोल रहा है, ठीक है ना भैया? इसका बात को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? तो अभी एक बार फटाफट फटाफट बिना समय वेस्ट किए, हम जितना पढ़ाए कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि याद रहे। तो नेगोशिएबल मतलब इजीली ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। कब आया था? जब अंग्रेजों का जमाना था, 1881। क्या क्या होता है? PBC, पी से प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4, बी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5, और सी से चेक सेक्शन नंबर 6। ऑर्डर और बियरर में क्या था? ऑर्डर मतलब कि किसी स्पेसिफाइड पर्सन को देंगे, और इट डज नॉट कंटेन प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, यानी कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बियरर मतलब जिसके हाथ में है उसको मिल जाएगा, यानी कि इसमें इंडोर्समेंट ब्लैंक में होता है, लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक में होता है। फिर ये पूरा कहानी था जिससे हम लोग 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद किए, किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है? फिर ये 5 तरीके से प्रॉमिसरी नोट को याद किए। फिर हम लोग आगे गए तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि प्रॉमिसरी नोट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब बच्चा लोग क्या करता है? बच्चा लोग मस्त एकदम प्यार से ऊपर का 8 को पॉइंट याद कर लेगा जो हम कहानी बना के सिखाएं, और वही हर जगह चिपकाते रहेगा। नो, दैट इज नॉट अलाउड। देखो, हम कुछ चीज स्टार कर रहे हैं वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि ये वाला बात, कैरेक्टरिस्टिक में ये वाला बात लिखना होगा। कौन वाला बात भैया? अरे कोई भी बियरर इंस्ट्रूमेंट दे देगा क्या प्रॉमिसरी नोट? नहीं, खाली कौन? आरबीआई और मोदी जी, दो जन दे सकता है। दूसरा स्टैंपिंग वाला बात, ये दोनों बात को जरूर से इंक्लूड करना अपना आंसर में, ठीक है? लास्ट पॉइंट कि जो बंदा प्रोमिसरी नोट बनाएगा उसको मेकर या ड्रॉवर या डेटर या पेई पेयर बोलेंगे, और जिसको पैसा हम लोग बना के देंगे, जिसको पैसा मिलेगा वो ड्रॉई बियरर क्रेडिटर या पेई होगा। एकदम बेसिक सा चीज, ठीक है? जो बनाता है उसके आगे ER लग रहा है, और जिसको दिया जा रहा है उसके आगे EE लग रहा है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एक पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग और सीखेंगे।